गाइस यहाँ पर समुंदर की प्यारी प्यारी लहरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हीं लहरों के सामने आप यहाँ पर पीछे देखेंगे तो यहाँ शिल्पा शेट्टी मैम का बंगला बना हुआ है, जिसका नाम किनारा है और जो कि समुंदर के किनारे ही बना हुआ है। और उनके घर पर आप देख सकते हैं कितने सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं शिल्पा शेट्टी मैम का बंगला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों? मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश पठारिया ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री का घर दिखाने वाले हैं जिन्होंने 90 के दशक में फिल्मों में काम करके लोगों के दिल जीते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी मैम की, जिनका घर समुंदर के किनारे स्थित है। मैं अभी यहाँ जुहू बीच पर आ चुका हूँ और उनके घर का नाम भी किनारा है, यहाँ साइड में ही उनका घर बना हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको जुहू बीच दिखाऊंगा और उसके साथ साथ जो शिल्पा शेट्टी मैम का घर है वह भी दिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक को शेयर कीजिए। एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक यह नाव खड़ी हुई है और यहाँ ऊपर आसमान में एरोप्लेन जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जुहू का जो एयरपोर्ट है वह बाजू में बना हुआ है। तो चलिए हम जुहू बीच पे आ गए हैं और यहाँ पर शिल्पा मैम का बंगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जुहू बीच साइड जाके शिल्पा मैम का बंगला दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर आप समुंदर की लहरों को देख सकते हैं, कितनी प्यारी समुंदर की लहरें आ रही है और यहाँ पर बहुत ही शानदार हवा चल रही है। और यहीं पर आप देख सकते हैं आपको पूरा मुंबई शहर का व्यू दिख रहा होगा। और यहीं पर ठीक पीछे आपको मैं शिल्पा शेट्टी मैम का घर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर शिल्पा शेट्टी मैम ने जो है यहाँ पर ये पर्दे लगा रखे हैं उनकी बाउंड्री के ऊपर, ताकि उनका घर कोई देख ना सके। लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, यही शिल्पा शेट्टी मैम की है। शिल्पा शेट्टी मैम को तो आप सब लोग पहचानते ही होंगे, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। और उनके जो हस्बैंड है राज कुंद्रा, उनको तो आप लोग खास तौर पर पहचानते होंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले एक न्यूज़ उड़ी थी कि जो राज कुंद्रा जी हैं वो कुछ गलत काम, अब मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यह जो घर आप देख रहे हैं यह शिल्पा शेट्टी मैम का ही है। यहाँ पर देख सकते हैं उनके घर के पीछे बहुत सारे नारियल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी नीचे से यह एरोप्लेन जा रहा है इंडिगो का। आपको शायद मेरी आवाज़ कम सुना रही होगी, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ से एरोप्लेन गुजर के जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत ही ऊँची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और यहाँ पर क्या पता कुछ कबाड़ खाने का लग रहा है मुझे तो। यहाँ जो ट्रक चल रहा है ना, यहाँ कुछ कबाड़ खाने का काम हो रहा है। दोस्तों समुंदर में आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पीछे शिल्पा शेट्टी मैम का किनारा बंगला बना हुआ है। अगर इस घर की लोकेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ जुहू बीच पर आना पड़ेगा और जुहू बीच में यह सबसे लास्ट का एरिया है और लास्ट में ही समुंदर के किनारे शिल्पा शेट्टी मैम का घर बना हुआ है। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे होंगे, यही शिल्पा शेट्टी मैम का घर है। दोस्तों मैं घर के फ्रंट साइड पर गया था, अभी तो मैं घर के बैक साइड में खड़ा हुआ हूँ। जब मैं फ्रंट साइड पर गया था तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और दोस्तों उस गेट में ताला लगा था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। जो मेन गेट है वो रोड के बगल में है और बंगला क्या थोड़े अंदर पड़ता है, इसी वजह से मैं बाहर से भी दिखाता तो आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाता। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ समुंदर के कुछ और नज़ारे दिखाता हूँ और शिल्पा शेट्टी मैम के बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि जो शिल्पा शेट्टी मैम का बंगला है वह अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि दोस्तों मुझे अंदर जाने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ फ़ोटोज़ लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ अंदर बहुत ही खूबसूरत एक स्विमिंग पूल भी है और इनका जो बंगला है दोस्तों उसका क्या कहना यार, बहुत ही शानदार बंगला है। शायद आपको थोड़ा थोड़ा उनका बंगला दिख भी रहा होगा। दोस्तों उस बिल्डिंग के पास जाना भी अलाउ नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजा देते हैं और चिल्लाते हैं। इसी वजह से दोस्तों यह कोई सलमान खान और शाहरुख खान का घर तो है नहीं कि आप जाके कभी भी वीडियो बना लो। यह शिल्पा मैम का घर है, अब क्या पता कैसे किया उनकी प्रतिक्रिया है कि वो हम लोगों को उधर जाने नहीं देती, फैंस लोगों को नहीं मिलने दे रही। फिर भी कोई बात नहीं, हमने उनका घर देख लिया, हमें बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हम उनके फ़ैन हैं और हम बहुत दूर से आए हैं। उनका घर तो छोड़िए, आप यहाँ पर जो ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें हैं गाइस वो बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। यहाँ जो समुद्र की लहरें देखो यार, आप क्या शानदार यहाँ समुद्र की लहरें आ रही हैं गाइस, बहुत ही मस्त। दोस्तों अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ यह इतनी प्यारी लोकेशन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि लोकेशन कितनी मस्त है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही प्यारी और ताज़ी हवा चल रही है और ठीक इसी हवा के सामने समुद्र के सामने जो है शिल्पा मैम का यहाँ घर बना हुआ है। दोस्तों जब मुझे आके यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है तो शिल्पा मैम को यहाँ पर कितना अच्छा लगता होगा आप लोग तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि दोस्तों उनका जो यह बंगला है वह समुद्र के किनारे बना हुआ है। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही इन्जॉय किया होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अभी प्लेन निकल के जा रहा है, इसी वजह से आपको मेरी आवाज़ कम सुना रही होगी।